फिफ्थ पॉइंट आता है आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि हड़प सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन के कौन कौन सी साइट्स थी जहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था और क्या क्या ये करते थे, क्या क्या ये काम करते थे। तो सबसे पहले कि मेन जो भी इनका प्रोडक्शन का काम था वो था बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। अब देखते हैं कि इनका क्राफ्ट प्रोडक्शन की कौन कौन सी मेन साइट्स थी। चानुदारो सबसे इम्पोर्टेंट साइट थी जहां पर बीड मेकिंग का काम होता था, बीड से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट साइट है, जैसे कि मैंने आपको बताई क्राफ्ट प्रोडक्शन की, वो चानुदारो है। इसके अलावा लोथर और धोलावीरा से हमें काफी सारे एविडेंसेस मिले हैं, ड्रिल फाउंड की है हमने, काफी सारी ड्रिल्स मिली है जिनसे पता चलता है कि ये मेन साइट्स थी क्राफ्ट प्रोडक्शन एरियाज की जहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। दीज आर ऑल क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट्स। अब देखते हैं कि रॉ मटेरियल क्या क्या था जिनसे ये काम करते थे। स्टोन्स थे कुछ, मेटल्स थी और अदर मटेरियल था। स्टोन्स में मेन स्टोन्स थे कार्नियल स्टोन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टीटाइट। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेन मेटल थे कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। इसके अलावा अदर मटेरियल में आएगा शेल, फियांस एंड टेराकोटा। ये सभी इनका रॉ मटेरियल था जिससे ये अपना क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम करते थे। अब देख क्राफ्ट की जो चीजें थी वो किन किन शेप में बनाई जाती थी। शेप्स की अगर हम बात करें तो डिस्क, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल और ये सेगमेंटल शेप्स यूज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट धोलावीरा, चानुदारो एंड लोथल आर क्राफ्ट प्रोडक्शन एरिया। किस तरह से उन्हें पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन एरिया थे। तो एविडेंसेस ऑफ स्टोन नोड्यूल्स, शेल्स, कॉपर और ऑल these found in these sites and in this way archaeologists know that these sites are craft production sites. अब हम बात करेंगे कि कौन और ये कहाँ से शेल्स वगैरह जो इनका मटेरियल था रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से लेके आते थे। तो नागेश्वर एंड बालाकोटा जो थी वो शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस था, जैसे बैंगल्स वहाँ पर बनती थी। तो मटेरियल ये दो तरह से लाते थे, एक तो लोकल इंपोर्ट था इनका और एक इंपोर्ट करते थे ये आउटसाइड। तो लोकल इंपोर्टेड जो एरियाज थे जहाँ से ये अपना रॉ मटेरियल लाते थे वो बालाकोट और नागेश्वर से ये लाते थे शेल्स। लैपिस लेजुली शोटुघई से मिलते थे, मंगाते थे। कार्नियल स्टोन लोथल से मंगाया जाता था। स्टीटाइट गुजरात एंड साउथ ऑफ राजस्थान। इसके अलावा कॉपर ये जोधपुर से मंगाते थे। नेक्स्ट गोल्ड ये कर्नाटका जो कि साउथ इंडिया में है वहां से ये मंगाया करते थे। और आउटसाइड बाहर से ये कहां कहां से मंगाते थे, तो बाहर की जो साइट थी जहां से ये अपना रॉ मटेरियल मंगाते थे वो थी मेसोपोटामिया, ओमान। और ये कैसे, अब हम देखते हैं आगे हम पॉइंट में पढ़ेंगे कि किस तरह से रॉ मटेरियल बाहर से अपना मंगाते थे। तो बुलक कार्ट्स मेन इनका डिस्टेंट कवर करने का जो जरिया था। इसके अलावा रिवर राइन रूट ये इस्तेमाल किया करते थे और अपना कॉन्टैक्ट बनाते थे डिस्टेंट लैंड से। ओमान से ये कॉपर मंगाते थे और हड़प्पा से ये ब्लैक जार्स मंगाते थे। एविडेंसेस फाउंड ओमान, और हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं कि ओमान में ब्लैक जार्स मिले हैं और हड़प्पा में ओमान का कॉपर मिला है हमें। तो ये एविडेंसेस थे जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये अपना कॉपर जो था ओमान से मंगाते थे और हड़प्पा का जो ब्लैक जार्स थे वो वहाँ पर ओमान में भेजे जाते थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया स्क्रिप्ट टेक्स्ट पढ़ी जा चुकी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ओमान को पुराने समय में मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट में ये डिस्क्राइब किया गया है कि मेघन बोलते थे, हड़प्पा को मेलुआ बोलते थे। इसके अलावा पिकॉक के लिए यूज़ किया जाता था हाजा बर्ड और लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा जाता था हड़प्पा के लोगों को। तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट जो सील्स पे मिली, वेट्स पे मिली, बीड्स पे मिली, उन सभी से हमें ये सब पता चलता है। और मेलुआ मैंने आपको बताया कि हड़प्पा को कहा जाता था, तो यहाँ से पता चलता है कि हड़प्पा से ये सील्स, वेट्स और बीड्स भी मंगाते थे। और मेसोपोटामिया टेक्स से हमें ये चीज़ पता चली है जहाँ पर मेलुआ का जिक्र है। और हमें अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेलुआ हड़प्पा के लिए यूज़ किया जाता था, तो हड़प्पा से ये सील्स, वेट्स, बीड्स आदि मंगाया करते थे मेसोपोटामिया के लोग। सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पा में सील के जो इम्प्रेशंस थे वो क्ले पे मिले हैं। और ये प्रोडक्ट्स किसी चीज़ को जब आप सील करते हैं तो ये वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है। सील यहाँ पर दूसरी सील नहीं है ये जिस पे टेराकोटा बुल की तस्वीर मिली थी, ये अलग सील है।
किसी चीज को जब आप सील करते हैं तो ये वर्ड उसके लिए यूज किया गया है। सील यहाँ पर दूसरी सील नहीं है, ये जिसपे टेराकोटा बुल की तस्वीर मिली थी, ये अलग सील है। ये आइडेंटिटी जो ऑनर की आइडेंटिटी थी उसका नाम लिखा होता था, उसको दिखाने के लिए यूज की जाती थी। और एक चीज जो मेन थी वो थी कि प्रोडक्ट टेम्पर्ड नहीं की गई, प्रोडक्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इसके लिए ये सील्स लगाई जाती थी। आज भी आप देखते हो ना, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपका है वो पूरी तरह से कवर किया जाता है और उस पर एक नाम होता है, नेम स्लिप लगी होती है। तो उस तरह से उस जमाने में उस पर एक मोहर लगी होती थी जिसे सील कहा जाता है, और उस सील पर ऑनर का नाम वगैरह लिखा होता था और उससे पता चल जाता था कि इस प्रोडक्ट से छेड़छाड़ नहीं की गई। अब मैं आपको बताऊंगी वेट्स के बारे में। वेट्स जो थे वो चर्ट नामक स्टोन से बनाए जाते थे, क्यूबिकल होते थे, और उन पर जैसे आजकल के जो वेट होते हैं उन पे नंबर लिखा होता है ना, 1 किलो 2 किलो, तो उस समय नहीं लिखा जाता था। और आजकल के वेट हमारे गोल होते हैं, लेकिन उस समय क्यूबिकल होते थे। और डिनोमिनेशन जो था बाइनरी था, उन पर 1, 2, 4, 8, 16, 32, उसके बाद 64, फिर इस तरह से बढ़ते चले जाते थे, और ये 12,800 तक जाते थे। और ये ज्वेलरी जो छोटे होते थे ये ज्वेलरी के लिए आते थे तोलने के काम, और बड़े वाले दूसरी चीज़ों को तोलने के काम आते थे। और हायर इनका डिनोमिनेशन जो था वो 12,800 तक जाता था, उसके बाद डेसिमल सिस्टम फॉलो होता था। और मेटल जो सील पैन्स मिली हैं जो स्मॉलर वेट्स थे वो यूज़ कर किए जाते थे इस सील पैन से, और ज्वेलरी और बीड्स को ये वेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स जो थी उसको जिसको हम लिपि कहते हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं गई। ऑलमोस्ट 400 सिंबल्स थे इनकी लिपि में, और मे बी रिटर्न राइट टू लेफ्ट। और देखने से हमें पता चलता है जो सील्स मिली हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, उनसे पता चलता है कि इनकी लिपि जो थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस थी कुछ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन थी, लेकिन जो सबसे लॉन्ग इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, जैसा कि आपकी बुक में भी दिखाया गया है, और इसमें 26 लेटर्स की ये लॉन्ग इंस्क्रिप्शन थी। हमें जो ये स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली ये काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे मिली, जैसे पॉटरी पे मिली, सील्स पे मिली, टूल्स पे भी मिली, और कुछ ज्वेलरी और बॉन्ड्स पे भी हमें ये स्क्रिप्ट्स लिखी हुई मिली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट जो थी वाइड स्प्रेड थी, परंतु ये अभी भी पढ़ी नहीं गई है। कुछ स्क्रिप्ट्स इसकी और कुछ पढ़ ली गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट्स पढ़ ली जा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंशियंट अथॉरिटीज़ का। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड डेमोक्रेसी और रूल। कीपा में डेमोक्रेसी थी या फिर कोई राजा रूल करता था। हु ऑर्गेनाइज्ड ऑल दिस एक्टिविटीज़, कौन सारी एक्टिविटीज़ को रूल कर रहा था, जैसे कि वेल प्लान्ड टाउन थे, वहाँ पे सिटाडल था, लोअर टाउन था, और रोड्स जो स्ट्रीट्स थी वो भी वाइड थी, उनकी विड्थ एक जैसी थी, प्लान्ड हाउसेस थे, ड्रेनेज सिस्टम था, तो सब कौन उनको रूल कर रहा था? क्या वो लोग खुद ब खुद इतने इंटेलिजेंट थे कि इस तरह से उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज्ड अपनी सिटी को रखा हुआ था, या फिर कोई राजा यहाँ पर रूल करता था? तो वी फाउंड नो एविडेंसेस अबाउट किंग, हमें एविडेंसेस तो कोई भी नहीं मिले कि वहाँ पर कोई राजा रूल करता था। प्लेसेस एंड किंग्स, वी फाउंड स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग, हमें एक स्टैचू मिला है प्रीस्ट किंग का। इन मेसोपोटामिया स्क्रिप्ट आल्सो देयर इज रेफरेंस ऑफ प्रीस्ट किंग, और प्रीस्ट किंग की रेफरेंस भी मिली है। एंड इंडस वैली, डेट वाई वी कैन से डेट डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट व्यूज। कुछ कहते थे कि मोनार्की थी वहाँ पर, कुछ कहते थे बेस्ड ऑन मोनार्की थी, रूलर था, कुछ कहते थे बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी पे था, और कुछ कहते थे कि डिफरेंट रूलर से। सम आर ऑफ द व्यू डैट देयर वर नो रूलर, All enjoyed equal status. Some feel that there was no single ruler, but there was several rulers, and according to them, Mohenjo-daro and Harappa had different rulers. तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रिलीजन के बारे में बताऊंगी, और सिविलाइजेशन की किस तरह से एंड हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन का, इसके बाद डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन कि किसने ये डिस्कवर किया था, किसने कौन आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कवर किया, ठीक है? तो ये आपकी सारे टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।